नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे बाली विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में चुनाव चरम पर है। यहां चुनाव में बस कुछ ही समय बचा है। राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। एक तरफ जहाँ बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बद्रीराम जाखड़ को मौका दिया है, तो बीजेपी ने पुष्पेंद्र सिंह राणावत को फिर से मैदान में उतारा है। अब बाली के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तो 2018 के चुनाव में बाली सीट पर कुल 11 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला दिखा। बीजेपी के पुष्पेंद्र राणावत ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साझा उम्मीदवार उमेद सिंह को मुकाबले में 28,187 मतों के अंतर से हरा कर यहां जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव में उमेद सिंह को 68,051 वोट मिले, तो वहीं पुष्पेंद्र ने 96,238 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। बाली विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें, तो इस सीट पर पिछले 8 बार से यानी 40 सालों से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत 3 बार यहां से विधायक रहे हैं। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद बीजेपी ने पुष्पेंद्र सिंह को यहां से टिकट दिया और वे हर बार चुनाव जीतते आए हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में एनसीपी के उम्मीदवार उमेद सिंह चंपावत बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत के हाथों हार गए थे। राजस्थान के पर्यटन का हब कहे जाने वाला बाली प्रदेश चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है। इस क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की धरती के नाम से भी जाना जाता है। पाली जिले में पड़ने वाली बाली सीट से बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत वर्तमान में यहां विधायक हैं। बाली बेहद श्रमद क्षेत्रों में गिना जाता है। इस शहर की अपनी ऐतिहासिक विरासत है। यहां का विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर, आशापुरा माता, राजस्थान का अमरनाथ कहलाने वाले परशुराम महादेव, निगोर नाथ महादेव, आई माता और कई मंदिर भी यहां बेहद फेमस है। साथ ही यहाँ पर कई प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों का मन मोहने के लिए काफी है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वाटरफॉल और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बाग जवाई लेपर्ड और जंगल सफारी अरावली पर्वतमाला में प्राकृतिक वाटरफॉल को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ राजस्थान इको टूरिज्म, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश और देश विदेश से आए पर्यटकों की हर समय यहाँ भरमार रहती है। बाली विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है और इस बार यहाँ जीत किसको मिलेगी, ये तो जनता ही तय करेगी। अब बात करें बाली विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 3,32,000 के आसपास मतदाता है। बाली विधानसभा क्षेत्र में राठौर, चौहान, मेड़तिया, सोलंकी, राजपूत, चारण, राजपुरोहितों के जमींदारों और चौधरी, देवासी, कुम्हार और मेघवाल लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ के 2023 के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ की, तो वे पाली से विधायक रह चुके हैं। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह राणावत की, तो उन्होंने बाली सीट से 1998 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद वे 2003, 2008, 2013 और 2018 से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। पुष्पेंद्र सिंह राणावत वसुंधरा राजे की सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। बाली विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार बाली विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।